दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी जीमेल आईडी में कोई भी एक फोटो सेट कैसे कर सकते हैं, यानी इसका प्रोफाइल फोटो सेट कैसे कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने अपना जीमेल ओपन करके रखा है। यहाँ पर ये रही हमारी जीमेल आईडी का आइकन है। यहाँ पर दोस्तों अभी कोई भी फोटो वगैरह सेट नहीं है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर एक फोटो सेट करना, ताकि दोस्तों कोई भी हमारा नंबर सेव वगैरह करता है या फिर दोस्तों कैसे भी आपकी जो जीमेल आईडी होती है उसके आइकन में यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो दिखाई देगी। इस तरीके से आपका खाली आइकन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। दोस्तों सेट कैसे करते हैं, सारी प्रोसेस है इस वीडियो आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। हर एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। चलिए कैसे क्या कुछ करना है यहाँ पर हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन में आपके फोन में जो जीमेल एप्लीकेशन होती है उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही जीमेल एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जीमेल एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आईडी का आइकन आपको दिख रहा है, यानी हम जिस आईडी से लॉग इन होते हैं उसका आइकन यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले तो अगर आपके फोन में एक से ज्यादा आईडी हो तो आपको उस आईडी से यहाँ पर लॉग इन कर लेना है जिसमें आप प्रोफाइल फोटो सेट करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम उसी आईडी से यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आइकन आपको दिख रहा है आपको इसी आइकन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करें कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पर कई सारी जीमेल आईडी यहाँ पर दी गई हैं, हम उस आईडी पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं जिसका हम आइकन यहाँ पर सेट करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर हमने उस पर क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इसका आइकन कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें कोई प्रोफाइल फोटो अभी लगा के नहीं रखा है, क्योंकि दोस्तों हमने एक नया जीमेल अकाउंट यानी नई जीमेल आईडी यहाँ पर बनाई हुई है। अब हम चाहते हैं इसमें एक नया प्रोफाइल फोटो लगाना, तो फोटो लगाने के लिए दोस्तों आपको इसी आइकन पर क्लिक कर देना। चलिए इस आइकन पर हम क्लिक कर देते हैं। इस आइकन पर हमने जैसे क्लिक किया तो आप यहां पर देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस यहां पर निकल के आएगा। दोस्तों सबसे ऊपर ही वो आईडी यहां पर आपको दिखाई देगी जिस आईडी से अभी आप लॉगिन हैं। हमने आपके सामने इसी आईडी को अभी लॉगिन किया क्योंकि हम इसी पर प्रोफाइल फोटो लगाना चाहते हैं, तो सबसे ऊपर यही आईडी यहां पर दिख रही है। दोस्तों जो गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। चलिए गूगल अकाउंट पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आता है। दोस्तों अब आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आप देखें पर्सनल इन्फो का आपको जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर्सनल इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर निकल के आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और भी देखने को मिल जाता है प्रोफाइल पिक्चर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर टू पर्सनलाइज योर अकाउंट। तो आपको क्या करना है, इसके सामने जो आइकन दिख रहा है फोटो वाला, आपको इस फोटो वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस आइकन पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर निकल के आया। दोस्तों जब भी हम इस आईडी से अभी लॉग इन करते हैं तो हर जगह कुछ इस तरीके का आइकन अभी दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद से हम फोटो सेट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखा है ऐड प्रोफाइल पिक्चर, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो कुछ फोटो यहाँ पर निकल के आती हैं। दोस्तों अगर आपकी गैलरी में कोई फोटो है तो यहाँ पर जो लिखा हुआ डिवाइस फोटो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा है ब्राउज और टेक ए फोटो, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैमरा और मीडिया पिकर, अगर आप कैमरा पर क्लिक करेंगे तो अभी कोई फोटो आप लाइव अभी तुरंत ले सकते हैं और उसे सेट कर सकते हैं। अगर पहले से आपकी गैलरी में कोई फोटो है तो जो मीडिया पिकर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे फोन की जो गैलरी है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब आपको यहाँ पर वो फोटो निकाल लेनी है जिसे आप सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ए रहा हमारा फोटो, हम इस फोटो पर क्लिक कर देते हैं। हमने इस फोटो पर क्लिक किया तो अपलोडिंग फोटो, यानी तो यहाँ पर हमारा फोटो है यहाँ पर आ चुका है। अब आप इसे कितना सेट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसे खिसका सकते हैं। हम इतना इस फोटो को यहाँ पर रखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर उसे सेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आप करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सेव करने के लिए नीचे लिखा हुआ है सेव एज प्रोफाइल पिक्चर, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेविंग प्रोफाइल पिक्चर, यानी तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल पिक्चर अपडेटेड, यानी हमारी फोटो है यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब हम आपको इसे चेक करके भी दिखा देते हैं। हम यहाँ पर इसे पूरी तरीके से बैक लेते हैं। बैक लेने के बाद आपकी जो जीमेल आईडी होती है जीमेल पर आपको क्लिक कर देना है। जीमेल एप्लीकेशन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अभी आपको पिक्चर नहीं दिख रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जो प्रोफाइल फोटो है सेट हो चुकी है और यहाँ पर आपको प्रोफाइल फोटो दिखाई भी दे रही है। तो इस तरीके दोस्तों आप अपने जीमेल आईडी में एक नया प्रोफाइल फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं।